हाय, दिस इज मनीष शर्मा। सो ये लेसन में हम लोग सीखेंगे ऑफलाइन डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एंटायर कोर्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो में हम डेटा कलेक्शन का काम करेंगे और डेटा एनालिसिस का काम भी करेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मैं आपको लास्ट वीडियो का थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ ओपन ट्रस्ट बिल्डअप्स का। ओपन ट्रस्ट मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग पोजीशन इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट, मींस एनी पोजीशन विच इज स्टिल ओपन दैट इज कॉल्ड ओपन ट्रस्ट। यानी पोजीशन फॉर्म हुआ है, पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे, होल्ड करते जा रहे, लेकिन पोजिशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। द ट्रेड विच आर एग्जीक्यूटेड बट नॉट स्क्वायर ऑफ दैट इज कॉल्ड ओपन ट्रस्ट। इसमें मैंने आपको चार पैरामीटर सिखाए थे, लॉन्ग बिल्डअप एंड इंक्रीज इन ओपन ट्रस्ट विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइस, शॉर्ट बिल्डअप एंड इंक्रीज इन ओपन ट्रस्ट विद रेस्पेक्ट टू डिक्रीज इन प्राइस, लॉन्ग अनवाइंडिंग अ डिक्रीज इन ओपन ट्रस्ट विद रेस्पेक्ट टू डिक्रीज इन प्राइस, शॉर्ट कवरिंग अ डिक्रीज इन ओपन ट्रस्ट विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका एक प्रिंटआउट निकाल लो और आप जहां पर भी ट्रेडिंग करते हो वो डेस्क के बाजू में एक प्रिंटआउट लगा दो, तो इट विल बी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू अगर आपको डेटा एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेडिंग सीखना है तो। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा कलेक्शन का काम, कि डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। ये वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑफलाइन डेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लाइव डेटा, लाइव ओपन ट्रस्ट डेटा। सो मैंने आपको जब ओपन ट्रस्ट समझाया था तो मैंने आपको हमेशा ऐसे ही समझाया था कि प्रीवियस डे ओपन ट्रस्ट ये था, करंट डे ओपन ट्रस्ट ये हुआ। अगर आपको याद है टेबल लास्ट वीडियो में, करंट डे ओपन ट्रस्ट विद कंपेयर टू प्रीवियस डे, हम लोग वो चेंजेस देख रहे थे, राइट। हम लोग करंट डे का डेटा कलेक्शन का काम करेंगे, उसके बाद प्रीवियस डे का हम लोग डेटा कलेक्शन का काम करेंगे और फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5th अक्टूबर 2020, आप देख सकते हो, विच इज अ मंडे, बट मैं संडे की रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली सैटरडे संडे एंड 2nd अक्टूबर वॉज हॉलीडे। सो हम लोग अभी डाउनलोड कौन सा डेटा करेंगे, 1st अक्टूबर का, ठीक है, विच इज द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और उसके प्रीवियस कौन सा हो गया, 30th सेप्टेम्बर। सो हम लोग दो डेटा डाउनलोड करेंगे अभी, हम लोग 30th सेप्टेम्बर एंड 1st अक्टूबर, ठीक है। ये दोनों डेटा को हम कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन करने के बाद हमें ट्रेड मिलेगा कौन से डेट के लिए, 5th अक्टूबर के लिए, मंडे के लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो आपको मार्केट डेटा में क्लिक करना है, फिर डेली मार्केट रिपोर्ट में क्लिक करना है। डेली मार्केट रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज खुलेगा, फिर आपको यहाँ पर डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें डेरिवेटिव्स का डेटा डाउनलोड करना है तो आपको डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको आर्काइव्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है, सबसे पहले डेट आपको सेलेक्ट करना है, लेट से 30th सेप्टेम्बर, क्योंकि मुझे पहले 30th सेप्टेम्बर का डेटा डाउनलोड करना है, उसके बाद 1st अक्टूबर का। और यहाँ पर आपको जो फाइल डाउनलोड करना है वो फाइल का आपको नाम टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे डाउनलोड करना है भाव कॉपी फाइल, तो यहाँ पर मैंने भाव लिखा तो यहाँ पर भाव कॉपी दो फाइल आ गया, जिप और CSV। आपको यहाँ पर CSV फाइल डाउनलोड करना है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर एक विनजिप फाइल डाउनलोड हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है, 30th सेप्टेम्बर भाव डॉट CSV जिप, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा विनजिप का पेज खुल जाएगा, उसके बाद आपको ये एक्सेल फाइल ओपन करना है, CSV फाइल आपको ओपन करना है। जैसे आप फाइल ओपन करोगे ऐसा स्क्रीन खुलेगा, ठीक है। अब आपके पास थोड़ा बेसिक एक्सेल का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, फिल्टर लगाना, ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक एक्सेल का नॉलेज नहीं है, आपको एडवाइस करूंगा कि वीडियो यहाँ पर पॉज करो, पहले थोड़ा सा बेसिक एक्सेल का वीडियो आप कोई देख लो यूट्यूब पे, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉप रो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डेटा पे क्लिक करके आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करोगे स्मॉल बॉक्सेस आ जाएंगे सारे कॉलम्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ए कॉलम जो दिख रहा है इसमें इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करना है, ये छोटे बॉक्स पे ऐसा विंडो खुलेगा, सेलेक्ट ऑल अनटिक करना है, फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक, ये दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक, ये नीचे का ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है, प्रेस ओके। उसके बाद ये जो सी कॉलम दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्सपायरी पे सी कॉलम पे आपको क्लिक करना है, स्मॉल बॉक्स पे सिलेक्ट ऑल अनटिक करना है, करंट मंथ का एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर में ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अक्टूबर प्लस करूंगा और 29th अक्टूबर जो एक्सपायरी डेट है वो सिलेक्ट करूंगा। ये भाव कॉपी में 3 महीने का एक्सपायरी का डेटा है बट मुझे सिर्फ अक्टूबर का एक्सपायरी का डेटा चाहिए, इसलिए हम लोग ये फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको ओके किया,
थोड़ा सा आपको ये कॉलम्स को एक्सपांड कर देना, आप एक्सपांड करोगे तो आपको डेटा दिखना चालू हो जाएगा। लास्ट कॉलम में डेटा आ रहा है 30th सितंबर, क्यों? क्योंकि 30th सितंबर का डेटा हम लोगों ने डाउनलोड किया। सी कॉलम में डेटा आ रहा है 29th अक्टूबर, क्यों आ रहा है? क्योंकि 29th अक्टूबर सीरीज का, 29th अक्टूबर एक्सपायरी का ये डेटा है। ए कॉलम में आपको दिख रहा होगा फ्यूचर इंडेक्स एंड फ्यूचर स्टॉक, सो हम लोगों ने इंडेक्स का डेटा डाउनलोड किया है एंड स्टॉक्स का डेटा डाउनलोड किया है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट करके एक अलग फाइल में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे अनफिल्टर डेटा भी है, तो मुझे अनफिल्टर डेटा नहीं चाहिए, इसलिए मैं सेकेंड रो सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो। वापस ध्यान से सुनना, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस कीबोर्ड पे जो डाउन एरो है वो प्रेस करना है। जैसे मैंने प्रेस किया, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। इसको कंट्रोल सी कॉपी करना है, कंट्रोल सी कॉपी, उसके बाद कंट्रोल एन नागपुर। जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करोगे एक नया एक्सेल फाइल खुल जाएगा। सेकेंड रो पे आके आपको कंट्रोल वी पेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डेटा कॉपी किया था सेकेंड रो से, इसलिए पेस्ट पे आपको सेकेंड रो पे ही करना है। ठीक है, अब ये फाइल को आपको सबसे पहले सेव करना पड़ेगा, सो कंट्रोल एस सेव। इसको लेट से आप एक बार डेस्कटॉप पे सेव कर लो। फाइल का नाम आपको देना है ऑफलाइन शीट 1st अक्टूबर। ठीक है, क्योंकि 1st अक्टूबर एंड 30th सितंबर का आप डेटा कंपेयर कर रहे हो, तो 1st अक्टूबर एंड 30th सितंबर आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। मैंने नाम दिया यहाँ पर ऑफलाइन शीट 1st अक्टूबर। ठीक है, डेस्कटॉप पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे सेव हो जाएगा और यहाँ पर फाइल का नेम चेंज हो जाएगा ऑफलाइन शीट 1st अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद वापस आपको ये वाली फाइल में जाना है जहाँ से आप हम लोगों ने पहले डेटा कॉपी किया था। ये टॉप रो हेडिंग आपको कंट्रोल सी कॉपी करना है, टॉप रो, और यहाँ पर आपको कंट्रोल वी पेस्ट करना है। सो मैंने क्या किया, मैंने उस फाइल में से 30th सितंबर का डेटा डाउनलोड किया जो कि 29th अक्टूबर का एक्सपायरी डेट का डेटा है। हम लोगों ने 30th सितंबर का डेटा डाउनलोड कर लिया है विच इज ऑफ 29th अक्टूबर एक्सपायरी। उसमें बाकी के एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट का भी डेटा था, वो हम लोग ने क्या कर दिया, अनफिल्टर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप शीट का नाम भी दे दो 30th सितंबर, सो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। 3009 2020 ये आपको नाम दे देना है, सो 30th सितंबर 2020, करेक्ट। इसको आपको कंट्रोल एस सेव करना है। 30th सितंबर का डेटा आपके पास आ गया, अब आपको कौन सा डेटा चाहिए, 1st अक्टूबर का। ठीक है, लास्ट स्टडिंग सेशन, सो अब आपको कौन सा डेटा चाहिए, 1st अक्टूबर का। ठीक है, हम लोग ये फाइल को क्या करेंगे, अब क्लोज कर देंगे क्योंकि ये फाइल का जरूरत नहीं है। इसमें से हम लोगों ने डेटा क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया है, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया, डोंट सेव कर दिया। अभी आपका ऑफलाइन शीट ओपन है और एनएससी का वेबसाइट ओपन है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है 1st अक्टूबर, मैंने 1st अक्टूबर सेलेक्ट किया। उसके बाद वापस आपको यहाँ पर भाव कॉपी, बार बार आपको भाव कॉपी टाइप करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेट सेलेक्ट किया हुआ है। सो ये देखो 1st अक्टूबर का डेटा डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एक्सेल आपको ओपन करना है, टॉप रो सेलेक्ट करना है, डेटा पे क्लिक करके फिल्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप फिल्टर करोगे स्मॉल बॉक्सेस आ जाएंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में जाके सेलेक्ट ऑल एंड टेक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक, ये दो चीज आपको सेलेक्ट करना है एंड देन प्रेस ओके, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर सी कॉलम में सेलेक्ट ऑल एंड टेक पे जाना है, अक्टूबर का डेटा आपको डाउनलोड करना है, राइट। सो 29th अक्टूबर एंड देन प्रेस ओके। जैसे आप ओके करोगे इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको डेटा दिखना चालू हो जाएगा। 1st अक्टूबर का डेटा है ये, ठीक है, इसलिए डेटा आ रहा है 1st अक्टूबर। 29th अक्टूबर का एक्सपायरी का डेटा है ये, इसलिए यहाँ पर डेटा आ रहा है 29th अक्टूबर एक्सपायरी डेट, और यहाँ पर आ रहा है फ्यूचर इंडेक्स एंड फ्यूचर स्टॉक। ठीक है, इसको भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेकेंड रो सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ठीक है, जैसे आप प्रेस करोगे पूरा डेटा सिलेक्ट होगा, कंट्रोल सी कॉपी करना है। अब इसको आपको नया एक्सेल में कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको आपको जो आपने ऑफलाइन शीट बनाया है उसमें एक नया शीट ऐड करो। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेकेंड रो पे कंट्रोल भी पेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये डेटा को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो एक ही एक्सेल में हम लोगों ने रख दिया है। ठीक है, हेडिंग आप ये वाली शीट में से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्योंकि हेडिंग दोनों फाइल का क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने नाम दे दिया 01/10/2020, 1st अक्टूबर 2020, और इसको मैंने एक्सपांड कर दिया। मेरे पास दोनों डेटा आ गया है, 30th सितंबर का भी, 1st अक्टूबर का भी। ठीक है, सो माई 50% फाइल इज रेडी।
अब आपको कंपैरिजन शीट ऐड करना है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको थर्ड शीट ऐड करना है, राइट क्लिक, रीनेम कैलकुलेटर शीट, ठीक है, कैलकुलेटर शीट आप लिख सकते हो या कंपैरिजन शीट आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको डेटा को क्या करना है, दोनों डेटा को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग मंडे के लिए, 5th अक्टूबर के लिए ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको डेटा एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करना भी समझेगा। सो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग एनएससी वेबसाइट वगैरह क्लोज कर, ये वाला फाइल का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। एनएससी वेबसाइट का भी जरूरत नहीं है तो इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब आपके पास सिर्फ ये वाला फाइल ओपन होगा, ऑफलाइन शीट, ठीक है। 30th सितंबर की शीट में जाना है, सिंबल कॉलम, सिंबल कॉलम आपको कंट्रोल सी कॉपी करना है और यहाँ पर आके ए कॉलम में कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है, सिंबल कॉलम कॉपी पेस्ट हो गया। ऑर्डर आपको मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एक्सेल में ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा स्टॉक्स का। सो जो आप कॉलम्स कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी का ही रेट आएगा, बजाज फाइनेंस के सामने बजाज फाइनेंस का ही रेट आएगा। सो वो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्लोज कॉलम कॉपी करना है, क्लोज कॉलम कैलकुलेटर शीट में आके बी पे पेस्ट करना है, ठीक है। और 1 तारीख की शीट में जाके भी इसका भी क्लोज कॉलम आपको कॉपी करना है और कैलकुलेटर शीट में आके यहाँ पर सी कॉलम में पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये कौन सा क्लोज था, 30th सितंबर का, मैंने यहाँ पर क्या दिया, 30th सितंबर डेट डाल दिया। ये कौन सा क्लोज है, 1st अक्टूबर का, सो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 1st अक्टूबर। मेरे लिए डेटा थोड़ा सा क्लीन एंड क्लियर हो गया, मेरे लिए क्लोजिंग प्राइस अब क्लियर हो गया, ये 30th सितंबर का क्लोज है, ये 1st अक्टूबर का क्लोज है, ठीक है। इसका आप थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह इंक्रीज कर लो तो आपको इजी रहेगा, सो मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ। अगर आपको ऐसे कलर कलर खेलना है तो आप कलर कलर भी खेल सकते हो, यानी आप कलर देकर डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आपको डी कॉलम में कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल, अब ई कॉलम में हम लोग कुछ कॉलम्स कॉपी पेस्ट करेंगे। वापस 30th की शीट में जाना है, एम कॉलम ओपन टच का डेटा आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल सी कॉपी करना है इसको और कैलकुलेटर शीट में आना है, यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट करना है, ठीक है। एम कॉलम 1st अक्टूबर की शीट में जाना है, उसका भी आपको एम कॉलम कंट्रोल सी कॉपी, ओपन ट्रस्ट कॉलम, ये वाला कॉलम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एम कॉलम करना है, एम फॉर मुंबई, ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान देना क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब ये कौन सा ओपन ट्रस्ट है, 30th सितंबर का ओपन ट्रस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 30th सितंबर OI, ठीक है, और यहाँ पर मैं 1st अक्टूबर OI, OI मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया ओपन ट्रस्ट। अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर दिख रहा होगा, सो इस पे जस्ट क्लिक करना है, आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और यहाँ पर आप सिलेक्ट करो, सो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मतलब जो मैंने फॉन्ट साइज दिया है इसका सेम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। इसका भी आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लो, नंबर्स देखने में ईजी होगा। अब यहाँ पर आपको दो कॉलम्स ऐड करने हैं, सबसे पहला कॉलम यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपको दो कॉलम्स ऐड करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डी कॉलम में हेडिंग डालना है एंड लास्ट कॉलम में हेडिंग डालना है परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटा सा एक एक्सेल का फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, सो आप यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखना अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आता है तो। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन सी टू माइनस बी टू ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय बी टू परसेंटेज, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रेस किया एंटर, 3.96 समथिंग समथिंग वैल्यू आ गया, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्रीज डेसिमल का टैब दिख रहा होगा, स्मॉल बॉक्स, ये देखो डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, जैसे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ देखो रिड्यूस टू 2 डेसिमल हो गया, इसको 2 डेसिमल तक आपको रिड्यूस करना है। ये डेटा आपको क्या बता रहा है कि 30th सितंबर को प्राइस 21,464 था एंड 1st अक्टूबर को प्राइस हो गया 22,316, सो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4% ऊपर था। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। बैंक निफ्टी क्या था, ऊपर था, इसलिए यहां पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिखाया इसने 3.97% प्लस। अब आपको इसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला को, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पे सिखाता हूँ। कर्सर का कलर मेरा क्या है, कर्सर का कलर व्हाइट कलर है, प्लस शेप है, व्हाइट कलर है, ठीक है। जैसे मैं कर्सर यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, कर्सर का कलर क्या हुआ, ब्लैक हुआ। जैसे ब्लैक हुआ वो ड्रैग करने का जरूरत नहीं है, जस्ट डबल क्लिक, सिर्फ डबल क्लिक करना है, पूरा का पूरा डेटा नीचे तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल सी कॉपी करना है, इसको कंट्रोल वी पेस्ट करना है।
जैसे ही आप पेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला पकड़ लेगा, इसीलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कैच कर लेता है। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ओपन ट्रस्ट का फॉर्मूला भी क्या हो गया, ड्रैग हो गया। ठीक है, अब आपका फाइल ऑलमोस्ट रेडी है, यहाँ पर आपको सिर्फ फिल्टर पे क्लिक करना है, योर फाइल इज रेडी। सो हम लोगों ने कंपेरिजन शीट भी बना लिया, डेटा कलेक्शन का काम भी कर लिया। अब मैं आपको ट्रेड लेने के पैरामीटर्स सिखाता हूँ, ट्रेड लेने के पैरामीटर्स। ठीक है, अब वीडियो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ट्रेड लेने के पैरामीटर्स भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। स्टॉक्स के लिए ट्रेडिंग फिल्टर्स अलग होते हैं, इंडेक्स के लिए ट्रेडिंग फिल्टर्स अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं, क्योंकि इंडेक्स कभी 10% एक महीने में मूवमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन स्टॉक मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, सो उसके हिसाब से हम लोग परसेंटेज वाइज ओपन इंटरेस्ट का फिल्टर रखेंगे। सो मैंने ट्रेडिंग फिल्टर्स लिख दिए हैं, आप ध्यान से मेरा स्क्रीन देख सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ, स्टॉक्स में अगर आप लेट से ट्रेडिंग कर रहे हो डेटा एनालिसिस के हिसाब से, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको कोई ट्रेड लेना है लॉन्ग की तरफ, लॉन्ग बिल्डअप ट्रेड। ठीक है, सो मिनिमम ओपन इंटरेस्ट चेंज होना चाहिए +10% एंड प्राइस एटलीस्ट 2% प्लस होना चाहिए मिनिमम। ये मिनिमम क्राइटेरिया, इससे ज्यादा होगा अच्छा है, लेकिन इससे नीचे नहीं चलेगा। ठीक है, 10% ओपन इंटरेस्ट हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि आपको छोटे प्लेयर को फॉलो नहीं करना, आपको बड़े प्लेयर को फॉलो करना है। अब बड़े प्लेयर को अगर आपको फॉलो करना है तो आपके ट्रेडिंग फिल्टर्स भी क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। इसलिए मैं 3-4% ओपन इंटरेस्ट चेंज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, मैं 10% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्यों देता हूँ, क्योंकि उसमें हो सकता है हायर चांसेस है किसी बड़े प्लेयर का पोर्शन हो सकता है, राइट। प्राइसेस भी एटलीस्ट 2% अप होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है, जो व्यू है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, इसलिए प्राइस भी 2% क्लोज होना चाहिए, 2% से ज्यादा। लॉन्ग बिल्डअप के लिए ये पैरामीटर है, शॉर्ट बिल्डअप के लिए ओपन इंटरेस्ट प्लस एंड 2% प्राइस माइनस होना चाहिए। लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट माइनस होता है, अगर आपको याद है, एंड प्राइस क्या होता है, माइनस होता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट माइनस एंड प्राइस प्लस। ये था स्टॉक्स का ट्रेडिंग फिल्टर। अब मैं आपको सिखाता हूँ इंडेक्स का ट्रेडिंग फिल्टर। इंडेक्स जो है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, वो 2% 3% एक दिन में हमेशा एवरीडे मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, सो इंडेक्स के ट्रेडिंग फिल्टर्स क्या होंगे, स्टॉक से डिफरेंट होंगे। अगर आपको निफ्टी में लॉन्ग जाना है, अगर आपको निफ्टी में बुलिश ट्रेड लेना है, सो एटलीस्ट लॉन्ग बिल्डअप पैरामीटर क्या होना चाहिए, 7% ओपन इंटरेस्ट प्लस होना चाहिए एंड प्राइस कितना परसेंट प्लस होना चाहिए, एटलीस्ट 1%। सो एटलीस्ट निफ्टी 1% ऊपर क्लोज हो रहा है और 7% ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज्ड है, तभी आप निफ्टी में क्या कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, सेम वे शॉर्ट बिल्डअप फिल्टर है, ओपन इंटरेस्ट 7% एंड प्राइस -1%। लॉन्ग अनवाइंडिंग फिल्टर है -7 एंड -1। शॉर्ट कवरिंग है -7 एंड +1। ठीक है, ये इंडेक्स के फिल्टर है और ये स्टॉक्स के ट्रेडिंग फिल्टर है। ये ट्रेडिंग फिल्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसका भी एक प्रिंटआउट निकाल लो और अपने जहां पर आप ट्रेडिंग करते हो वहां पर एक प्रिंटआउट आप लगा दो, तो आपको इजी रहेगा कि स्टॉक का ट्रेडिंग फिल्टर ये है, इंडेक्स का ट्रेडिंग फिल्टर ये है। ठीक है, अब हम लोग ट्रेड फाइंड आउट करते हैं एज पर दिस ट्रेडिंग फिल्टर्स। तो आपको कैलकुलेटर शीट पे जाना है, यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, लास्ट कॉलम जो है परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इस पर क्लिक करना है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। जब आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करोगे तो आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस में बिल्डअप हुआ है, ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाएगा स्टॉक। ठीक है, अब आपको देखना है कि टोरेंट पावर आपके शॉर्ट बिल्डअप फिल्टर में है, ओपन इंटरेस्ट 10% से ज्यादा प्लस है, बट प्राइस 2% से ज्यादा नीचे नहीं गया है, शॉर्ट बिल्डअप फिल्टर +10 -2। ठीक है, सो टोरेंट पावर मेरे फिल्टर में नहीं है। बजाज ऑटो हमारे फिल्टर में है, आंसर इज यस है। कौन से फिल्टर में है, ये लॉन्ग बिल्डअप फिल्टर में। ठीक है, आप देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट 10% से ज्यादा प्लस है, प्राइस 2% से ज्यादा प्लस है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो लॉन्ग बिल्डअप +10 and +2। ठीक है, पीएनबी आपको शॉर्ट बिल्डअप मिला है, आंसर इज यस। अब पीएनबी आपके शॉर्ट बिल्डअप फिल्टर में है, आंसर इज यस, पीएनबी आपके शॉर्ट बिल्डअप फिल्टर में है। और M&M फाइनेंस और TVS मोटर और PVR, ये तीन स्टॉक आपके लॉन्ग बिल्डअप फिल्टर में है। सो स्टॉक सिलेक्शन आपको समझ में आ गया क्लीन एंड क्लियर। मनापुरम फाइनेंस मैंने नहीं सिलेक्ट किया, क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि 10% के नीचे फिल्टर है। ठीक है, 9.95 9.90 अगर है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन 9.50 या 9.60 ओपन इंटरेस्ट है तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो मनापुरम फाइनेंस इसलिए मैंने सिलेक्ट नहीं किया। सो मंडे के लिए, 5 अक्टूबर के लिए, ये डेटा शीट ने आपको 5 ट्रेड दिए हैं, बजाज ऑटो लॉन्ग,
पीएनबी शॉर्ट, एमएलएम फाइनेंस लॉन्ग, टीवीएस मोटर लॉन्ग, पीवीआर लॉन्ग। यहाँ तक क्लियर है, करेक्ट? अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर चार्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डेटा ने आपको बाई दिया है लेकिन चार्ट भी अगर आपको बाय बोल रहा है तो ट्रेड डबल कंफर्मेशन के साथ हो जाता है। डेटा प्लस चार्ट दोनों क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बाय हो जाता है, डबल कंफर्मेशन हो जाता है। सो ट्रेड का आपका डबल कंफर्मेशन होने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज भी यहाँ पर होना चाहिए। सो टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, व्यू बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा उसमें। तो यहाँ पर आपको डेटा ने कुछ ट्रेड्स बताए हैं बट ये ट्रेड्स आपको चार्ट के साथ वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? मेकर एंड चेकर एक कंसेप्ट होता है, डबल कंफर्मेशन सिस्टम, ज्यादातर बैंक्स में ये कंसेप्ट होता है मेकर एंड चेकर। सो मेकर एंट्री पंच करता है, चेकर एंट्री वेरीफाई करता है, ठीक है? तभी वो एंट्री बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है, यानी मेकर आपका है ये डेटा एनालिसिस, मेकर ने आपको कुछ स्टॉक्स दिए, अब आपको ये स्टॉक्स को वेरीफाई किससे करना है, चेकर के साथ। चेकर क्या है, आपका चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? सो ये स्टॉक को आपको वेरीफाई करना है टेक्निकल चार्ट पे। अगर टेक्निकल चार्ट पे बजाज ऑटो सपोर्ट पे है या ब्रेकआउट दिया है तो डबल कंफर्मेशन हो गया, प्राइजेस ऊपर जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा ऑफलाइन डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा लाइव ओपन ट्रस्ट डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, लाइव ओपन ट्रस्ट का डेटा हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा रोल ओवर्स कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि रोल ओवर की वजह से आपका ये डेटा इम्पैक्ट होगा, और रोल ओवर क्या होता है, रोल ओवर एक्सपायरी में आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, रोल ओवर ड्यूरिंग द एक्सपायरी वीक आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे आपके डेटा को इम्पैक्ट करेगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? सो ये लेसन में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।